तुम्हारा जो पहला बच्चा होगा ना उसका नाम मैं आप पे रखूंगा, आप अपना नाम बताओ बस। वांगीपुरप्पू वेंकट कुप्पू। कोई बात नहीं सर, हम लिख के दे दो, मेरी तरफ से नाम डन है। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब पीके, थ्री इडियट्स, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, इनके साथ एक और नाम अब और जुड़ने वाला है, डंकी। देखो ये सारी ऐसी फिल्में हैं, आप इन्हें एक बार नहीं 10 बार भी देख लोगे तब भी आपका मन नहीं भरेगा, और बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, इवन मैं खुद बहुत बार इन मूवीज़ को देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी भाई साहब अगर आज ये थिएटर में लग जाती हैं तो फिर भी चीज खोल के जाऊँगा और देख कर भी आऊँगा। ऐसी ही मूवी डंकी होने वाली है, क्योंकि इन सब के डायरेक्टर एक ही हैं, राजकुमार हिरानी। भाई इस बंदे का डायरेक्शन, इस बंदे की विजन, इस बंदे की थिंकिंग ऑफ क्रिएशन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। मतलब जहाँ से हम सोच पाते हैं या जहाँ तक हम सोच पाते हैं वहाँ से इसकी क्रिएशन स्टार्ट हो जाती है, और ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हमें ऊपर से निकाल के देते हैं, सिर्फ हमारे बीच से ही चीज़ें उठा के दिखाते हैं और जिस हिसाब से प्रेजेंट करते हैं वो प्रेजेंटेशन बिल्कुल यहाँ छूता है, और बाय गॉड बहुत मज़ा आता है। तो भाई डंकी का टीजर आ चुका है, और टीजर का नाम टीजर ना करके ड्रॉप 1 दिखाया गया है। इसके पीछे भी कहानी है, इलॉजिकल बिल्कुल नहीं है। ख़त्म जब होता है ना तो ड्रॉप 2 कमिंग सून को लिए भी इंट्रोडक्शन कर जाते हैं ये। तो यस, ड्रॉप 1 ड्रॉप 2 इसके बारे में भी बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, फिलहाल टीजर के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग बड़ी सॉलिड है, बहुत सॉलिड तरीके से स्टार्टिंग है, सोनू निगम की आवाज़ में, उसके बाद वो इमोशन जब ये जुड़ा है ना, ये मार्केटिंग का बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका है एक सीट पे जोड़े रखने के लिए, टीजर के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। और ये ट्रिगर किया है, जो ट्रिगर उन्होंने दिया है राजकुमार हिरानी ने, भाई सॉलिड दिया है। वरना इनके पास फेस कौन है, शाहरुख खान फेस है, जो अभी इस टाइम फुल सॉलिड फॉर्म चल रही है, उसके बावजूद भी उन्हें पहले ना ला के इमोशन लेके आए हैं। तो राजकुमार हिरानी भाई जाने ही इसलिए जाते हैं, बॉलीवुड के किंग आखिर क्यों कहा जाता है उन्हें, क्योंकि इमोशन के साथ खेलना और कॉमेडी का पंच लगाना इन्हें बहुत बेहतर तरीके से आता है, और डंकी में बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया भी गया है। कॉमेडी भर भर के मिलने वाली है इसमें, जो इतना कुछ अभी रिवील करा नहीं है, 2 बार ही बोला है, बाकी सब स्क्रीन प्ले सिनेमेटोग्राफी ही दिखाई है, लेकिन बोला सिर्फ 2 बार गए हैं, 2 डायलॉग, डायलॉग सिर्फ 2 ही डिलीवर करे हैं, और जबरदस्त डिलीवर करे गए हैं। एक वो पहला वो दादी को मारने वाला कि जब भी मैं लंदन के बारे में सोचूंगा अभी तो मेरी दादी मर जाए, और एट दैट टाइम दादी मर भी जाती है। मैं बुगु लखनपाल कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं लंदन जाने की सोचूंगी तो मेरी दादी मर जाए। साते नाम वाहे गुरु, वो आपने देख लिया। दूसरा लास्ट में वो क्या कहते हैं, शाहरुख खान का वो डॉक्टर से इंटेरोगेशन कि भाई जब हम वहाँ जाएंगे और उसके बाद हमारा अगर बच्चा भी होगा तो हम आपका जो नाम है वही नाम अपने बच्चे का भी रखेंगे, और वो भयंकर नाम निकल के आता है। उनमें एक लड़की है मनु, तुम्हारा जो पहला बच्चा होगा ना उसका नाम मैं आप पे रखूँ, आप अपना नाम बताओ बस। वांगीपुरप्पू वेंकट कुप्पू। कोई बात नहीं सर, हम लिख के दे दो, मेरी तरफ से नाम डन है। तो सॉलिड कॉमिक टाइमिंग, पंच लाइन अमेजिंग, बस इतना ही देखने को मिला, और वहीं से अंदाजा लग गया कि भाई फाड़ होने वाला है, फाड़ फाड़ होने वाला है, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पीके में भी देखा है, ये सारी चीज़ें थ्री इडियट्स में भी देखा है। कॉमेडी प्लस इमोशन बहुत अच्छे से यूज करना आता है, और बहुत अच्छी तरीके से यूज करते नजर भी आ रहे हैं। पीके में हमने देखा हंसाया भी तो रुलाया भी, दूसरा थ्री इडियट में देखा वहाँ पर भी हंसाया उसके बाद भी रुलाया, एंड मुन्ना भाई MBBS में हंसाया भी रुलाया भी, लेकिन इन सब के बावजूद हमें हर एक मूवी से जो पिछली हैं कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, और बाय गॉड डंकी से भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सीरियस टॉपिक है ये, ऐसा कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। और दूसरा ये डंकी का टाइटल जो एकदम इलॉजिक सा क्यों रखा है, इसके पीछे भी कहानी है। देखो डोंकी फ्लाइट पंजाब में अक्सर ये यूज करा जाता है इलीगल इमिग्रेशन के लिए, कहाँ के लिए, यूनाइटेड किंगडम के लिए, मोस्टली ये यूज करा जाता है, टूरिस्ट वीजा पर भेजा जाता है, लेकिन पर्पस ऑफ एक्चुअल वर्क कुछ और ही होता है, हम सब जानते हैं यहाँ पर टूरिस्ट वीजा बना के जा रहे हैं, वहाँ कुछ और कर रहे हैं, तो यही फेक इमिग्रेशन के बारे में अच्छे से दिखाया जाएगा। दूसरा रियल मसाला देखने को मिलने वाला है भाई, बॉलीवुड में जो चीज़ हमें मिसिंग हो रही थी अभी इस साल, क्या था कि यार एक्शन मास यही चीज़ देख देख कर मतलब पक गए थे, बोर से हो गए थे,
तो वही चीज ना यार, टाइगर थ्री का बज इसलिए भी नहीं बन पा रहा है क्योंकि भाई एक्शन देख देख के दिमाग की दही हो चुकी है। तो यहाँ अभी नया कुछ लेके आए हैं और यस, राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान का जो ये कोलैबोरेशन है ना, ये फाड़ के जाने वाला है सुपर तरीके से, क्योंकि यहाँ कुछ नया हमें देखने को मिल रहा है, टीजर से ही देखने को मिल रहा है और मूवी में कितना कुछ नया होगा। दूसरा, जो लास्ट में इन्होंने ड्रॉप टू कर रखा है, तो एक और जो टीजर आने वाला है या फिर ट्रेलर कह लो, क्योंकि फाइनल ट्रेलर तो मूवी के 10 दिन पहले ही आएगा, जो 21 या 22 दिसंबर को मूवी रिलीज हो रही है उससे 8-10 दिन पहले आएगा। लेकिन उससे पहले हमें दोनों चीज़ में अभी फुल कंटेंट नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कुछ पता लग रहा है कि मूवी में होने क्या वाला है। दूसरा, कास्ट इज सुपर अमेजिंग यार, सुपर सुपर अमेजिंग। देखो शाहरुख खान तो हैं, इनका तो क्या ही कहना, किंग खान, बॉलीवुड के किंग खान इन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता है। अभी इन्हें हम जवान और पठान वाला शाहरुख खान देख रहे थे और आज एक नया शाहरुख खान देखने को मिला है। जीरो मूवी अगर तुमने 2018 में देखी थी तो बउआ याद है आपको, सेम कैरेक्टर का फीलिंग आया भाई। जीरो पिटी होगी, डेफिनेटली पिटी, लेकिन जो बउआ का कैरेक्टर था दिल को छुआ था और वही चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है। मतलब यही शाहरुख खान तो मिस कर रहे थे भाइयों में। साथ में विकी कौशल है भाई, ये बंदा ना लीड एक्टर है। उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक में इसने फाड़ के रख दिया था, एक तरफा एक इसका इसकी एक्टिंग थी, सब कुछ था। दूसरा, सैम बहादुर जो आने वाली है उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक का बाप मूवी होने वाली है, वो इंडियन एयर मार्शल का रोल प्ले करेंगे उसमें, और जो फाड़ के रोल प्ले कर रहे हैं वो टीजर में ही देख के लग रहा है। तो उसके बावजूद भी यहाँ सपोर्टिंग में आ रहे हैं और एक ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी देखो ना उनकी यार, पूरा हेल्पलेस कैरेक्टर दिखाया गया है। तापसी पन्नू सपोर्टिंग रोल में, वो भी लीड एक्ट्रेस हैं, उसके बावजूद भी हेल्पलेस कैरेक्टर, तो ये इनकी खासियत है। और राजकुमार हिरानी को, ये डायरेक्टर को आता है अपने एक्टर को, अपने कास्ट को निचोड़ना, कैसे उन्हें फिट करना है, और बाय गॉड यहाँ वो बहुत अच्छी तरीके से फिट करते नज़र आ रहे हैं और ज़बरदस्त वो रुझान भी देखने को मिल रहा है। दूसरा, ये ड्रॉप वन और ड्रॉप टू का क्या चक्कर है, मतलब टीजर उन्होंने रिलीज करा लेकिन दो पार्ट में क्यों तोड़ रहे हैं, इसका भी सिंपल कहानी है। देखो ड्रॉप वन में क्या दिखाया हमको, सिर्फ इंडिया से लंदन जाने तक की जर्नी दिखाई जा रही है कि यहाँ से ये कैसे गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, कैसे छटपटा रहे हैं, कैसे प्लानिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि इनमें कोई इंटेलिजेंसली दिख नहीं रहा है, इंटेलिजेंसी तो फिलहाल कहीं नहीं दिख रही है, इमोशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक सीरियसनेस सिर्फ विकी कौशल के कैरेक्टर में देख के लग रहा है, वो मुंह लटकाए जो खड़े पड़े हैं ना, वो सीरियसनेस, मतलब ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है कि इनका पर्पस क्या हो सकता है लंदन जाने का, ऐसा क्या मोटिव हो सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ इन्हें अपनी तरफ खींच रही है, वो ढंग से देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन सीरियसनेस विकी कौशल की देख के वहाँ से लग रहा है कि भाई ये बंदा सीरियस है। बाकी अपना शाहरुख खान ये बिल्कुल फंकी फुल कैरेक्टर, तापसी पन्नू फंकी फुल कैरेक्टर, बाकी के दो कैरेक्टर वो भी ऐसे डंब ऐसे हैं, तो ये चीज़ दिखाने की बड़ी सॉलिड कोशिश करी है। ड्रॉप टू में क्या होने वाला है, ड्रॉप टू में ये होगा कि भाई ये जैसे ना तैसे वहाँ तैसे लंदन तो पहुँच जाएंगे, लेकिन उसके बाद वही चीज़ ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, इन्हें लगा कि वहाँ जाके सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन वहाँ जाके जो स्ट्रगल होगा, वहाँ जाके एक जो नई चीज़ एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, सब कुछ नया देखने को मिलेगा, तो वहाँ से ये वापस आने के लिए कैसे छटपटाएंगे, वो शायद ड्रॉप टू में हमें देखने को मिलेगा और यही होने वाली है कहानी। तो इन सब भाई, इन सब में ना कॉमेडी तो भरपूर मिलेगी, इमोशन भी भरपूर मिलेगा, तो आप कहीं हंसेंगे भी तो कहीं रोएंगे भी, और लास्ट में एक बेहतरीन सीख भी लेकर जाएंगे जो राजकुमार हिरानी अपनी फिल्म में देते हैं और देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं और आगे भी देते आएंगे। तो सुपर फाइन जोड़ी जो शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की लग रही है भाई, ये मूवी फाड़ के जाने वाली है। नंबर्स की बात करें भाई, बहुत कहा जा रहा है इस बार नंबर्स के बेस पर मूवी को हिट है या फ्लॉप है दिखाया जा रहा है। जैसे पठान 1000 करोड़ ले गई, जवान 1000 करोड़ ले गई, भाई आने वाले 10 साल में ना शाहरुख खान के इस रिकॉर्ड को किसी का बाप नहीं रोक पाएगा या तोड़ पाएगा कि इस बंदे ने एक ही साल में 3 मूवी लाया और 3 की 3 मूवी 1000 करोड़ फाड़ के जाएंगी, सुपर तरीके से फाड़ के जाएंगी, क्योंकि इस कंटेंट की प्योरिटी इस सुपर अमेजिंग है, बिल्कुल रियल लाइफ पर बेस है, हमारे ही बीच से, ये सोसाइटी के बीच से ही मुद्दा उठाया है, उसे बहुत बारीकी से हमें ऐसे प्रेजेंट करके दिखाएंगे जो दिल को छुएगा और बाकी यहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो मिलते हैं ड्रॉप टू में, क्या होगा क्या नहीं होगा, फिलहाल के लिए तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि मूवी फाड़ के जाने वाली है। आप लोगों का क्या कहना है कि डंकी भी कितना कमा सकती है, क्या जवान और पठान की तरह 1000 करोड़ क्रॉस कर जाएगी या नहीं कर जाएगी। दूसरा, ड्रॉप टू में क्या देखने को मिल सकता है आपके हिसाब से। तीसरा, टीजर आपने देख लिया है ये ड्रॉप वन,
तो आपको ये टीजर कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर जाना। ये मेरा एक्सपीरियंस था। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।